भाजपा कार्यालय धार में भाजपा किसान मोर्चा की जिला कार्य समिति व मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से भाजपा किसान मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दर्शन सिंह चौधरी उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी का भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती एवं जैविक खेती से ज्यादा करने का सभी किसानों को आह्वान किया एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। आज के कार्यक्रम में मंचासन अतिथियों में किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव यादव, मोर्चा प्रदेश महामंत्री दिलीप पटोदिया, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं इंदौर संभाग प्रभारी राजविंद्र सिंह राजपूत, मोर्चा प्रदेश मंत्री रवि रावलिया, मोर्चा जिला अध्यक्ष इंदौर नगर मुकेश पवार, मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व मोर्चा जिला प्रभारी जब सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णकांत रोकड़े, विष्णु मालाधारी, पूर्व विधायक एवं पूर्व मोर्चा जिला अध्यक्ष खेमराज पाटीदार, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश जाट, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह चौहान मंचासीन थे। बैठक में संचालन मोर्चा जिला महामंत्री रतनलाल पाटीदार ने किया व कार्यक्रम का आभार मोर्चा जिला महामंत्री विष्णु चौधरी ने माना। कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के जिला पदाधिकारी एवं जिले के समस्त किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष व मंडल पदाधिकारी एवं काफी संख्या में किसान कार्यकर्ता उपस्थित थे। किसान मोर्चा के सफल आयोजन पर प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह चौहान एवं उनकी पूरी टीम, सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी मंडल के अध्यक्ष व उनकी पूरी टीम को बधाई दी। हमारी भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई और किसान मोर्चा की इकाई को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कार्य समिति का यहाँ पर आयोजन किया और निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में जोश। हमारे जिला अध्यक्ष जी के निर्देशन में पहले भी अच्छा काम इस जिले में होते आया और आगामी समय में जो किसान मोर्चा ने आज लक्ष्य तय किए उस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसान मोर्चा माकूल माहौल बनाकर आगामी 2023 के चुनाव में हम निर्णायक भूमिका निभाएंगे। विगत समय में जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाकर किसानों को भ्रमित करने का काम किया था, इस बार हम नहीं होने देंगे और पूरी ताकत के साथ किसान मोर्चा नीचे जाकर गांव-गांव जागृति यात्राएं करेगा, गांव-गांव चौपालें आयोजित करेगा, सरकार की, केंद्र की और राज्य की सरकार की नीतियों को नीचे ले जाकर और किसानों में उत्साह पैदा करेगा। प्राकृतिक खेती को लेकर जो माननीय मोदी जी ने आह्वान किया, मैं पहला धन्यवाद तो देता हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनके निर्देशन में मेरा मध्य प्रदेश देश का नंबर वन प्राकृतिक प्रदेश है, सबसे अधिक एरिया में होती है। और इस बार किसान मोर्चा ने भी तय किया है कि 75,000 किसानों को हम तैयार करते हुए 75,000 एकड़ में किसान मोर्चा की ताकत पर हम नए प्राकृतिक किसान पैदा करेंगे। और मुझे खुशी है आज जो हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर संकल्प लिया, मैंने हर जिलों को 2,000 किसान कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया, लेकिन मेरे झार जिले ने हमारे अध्यक्ष महोदय की अगुवाई में 3,000 किसानों का लक्ष्य लेकर आगामी समय में जिसको लेकर हम जगह जगह यात्राएं पैदल मार्च, चाहे वो नदी के किनारे हो, पवित्र नदियों के किनारे, पवित्र तीर्थ स्थलों के किनारे से हम ऐसी यात्राएं गांव गांव निकाल कर और उनसे संकल्प पत्र भरवा कर और विभिन्न जो सरकार की योजनाएं उनको नीचे ले जाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष तौर पर उस किसान समाज को जोड़ने का काम करेंगे। जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर न केवल किसान समाज को, आम जनता को भरोसा है, आप तो आपके सर्वे या कहीं भी आकलन कर लें और निश्चित तौर पर किसान समाज एक अलग जो निराशा के वातावरण को आशा के वातावरण में जिन्होंने बदलने का काम किया है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित तौर पर किसान सम्मान और किसान कल्याण निधि देकर आज किसान के अंदर गौरव का भाव पैदा किया है। हम इस भाव को लेकर आम जनता में जाकर और किसानों के अंदर समुचित माहौल खड़ा करने का काम करेंगे। धार से विशेष सिंह राजपूत की यह रिपोर्ट।